हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आपको बताने वाला हूँ आज ऑटोडेस्क पावर मिल के अंदर पैटर्न क्रिएट, पैटर्न कैसे क्रिएट करते हैं, उसको एडिट कैसे करते हैं, उसके अंदर जो फीचर्स है वो कैसे काम करता है। तो आज वीडियो में कंप्लीट आज पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, मेरा यूट्यूब चैनल कैड मैनुफैक्चरिंग स्टूडियो, उस पर मैं मैनुफैक्चरिंग एंड डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, जाके देखिए। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, नए रहेगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ पैटर्न के। तो ये हमारा मॉडल है, इसके ऊपर हम लोग को क्या करना है, पैटर्न क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा पैटर्न है, ये अब इसको हम लोग कैसे इसके क्रिएट करते हैं, पैटर्न को कैसे क्रिएट करते हैं। पैटर्न के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो एक क्रिएट का ऑप्शन आता है, क्रिएट कर दोगे तो एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है। अब ये पैटर्न को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर एडिट का ऑप्शन आ जाता है। उसके अंदर हम लोग चले जाएंगे, ये ऐसा उसके अंदर हम लोग चले जाएंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। अभी ये हमारे पास एडिट का पूरा फीचर दिखा रहे हैं। अब इसको अंदर आपको क्या करना है, आपको एक ऑप्शन है जिसे देख सकते हैं, पहला जो ऑप्शन दिखा रहा है इधर, ये देख सकते हैं कलेक्ट कर करके। इसमें क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इधर भी एरिया को सेलेक्ट करोगे, उधर आपको एक बाउंड्री पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, ये सरफेस को सेलेक्ट कर लिया और ये जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इधर एक्सेप्ट कर लिया, तो ये देख सकते हैं इधर पैटर्न क्रिएट हो गया। पैटर्न जो क्रिएट किधर होएगा, जो हमारा फेस को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उसके चारों साइड में पैटर्न क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, मैं फेस क्लियर सेलेक्ट किया तो मेरा पैटर्न क्रिएट हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट कैसे करते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे और डिलीट का ऑप्शन में बटन दबाएंगे तो हमारा डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास दूसरा ऑप्शन, इसमें भी हमारा क्या होता है, सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, लेकिन इससे हम लोग कट कर लेते हैं। ये डिलीट का ऑप्शन है, ये डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाता है। इसे हम लोग पैटर्न क्रिएट सेलेक्ट किया, डिलीट कर देते हैं। तो हमारा है ये रिवर्स का, ये हमारा है रीऑर्डर, ये है जैसे हमारा पैटर्न को जो हमारा लाइन करेंगे, जब सेगमेंट करते हैं तो उस टाइम पे हमको क्या करना पड़ता है, अप डाउन कर सकते हैं, इसके लिए इसमें किया जाता है। अब ये क्या है, ये हमारा पैटर्न क्रिएट करने के बाद काम में आता है। अभी कैसे करते हैं मैं अब दिखा देता हूँ। जैसे एक पैटर्न सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं पैटर्न में गया, ये ऑप्शन में चले जाता हूँ, पैटर्न को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं कि मेरा पैटर्न बन गया। अभी मैं क्या करने का है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि पैटर्न मेरे को कोई भी सरफेस को डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है। अब ये देख सकते हैं सेलेक्ट करते ही सब सेलेक्ट हो गया, तो आपको एक ऑप्शन आता है जिसमें इधर देख सकते हैं कि स्प्लिट का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जैसा सेलेक्ट करोगे तो आपको सिंगल सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें जब स्प्लिट का ऑप्शन, मतलब ये एक सिंगल क्यों दिखा रहा है, आपके बीच में कट क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि एक लाइन ये पूरा है, इसकी वजह से लाइन पूरा दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपको डिलीट करना है, इसको इसके ऊपर क्लिक करो और डिलीट का ऑप्शन कर दो, डिलीट हो जाएगा। ऐसा आपको हो गया, अब ये हो गया, ऐसा आपको इसको जोड़ना है। अभी मैं डिलीट कर दिया, अब इसको जोड़ना है तो उसके बाजू में ऑप्शन है ज्वाइन करके, ये ज्वाइन ऑप्शन को सेलेक्ट करने का पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि एक पैटर्न क्रिएट कर लेता हूँ, पैटर्न बोले तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ। इधर ऑप्शन में जाएंगे, एक लाइन का ऑप्शन आएगा, इसको सिंगल को एक सर लाइन ले लेंगे, ठीक है, लाइन ले लेने। लाइन लेने के बाद अभी इसमें जो हमारा ऑप्शन क्या है, इसमें तीन ऑप्शन आता है। एक तो हमारा सिंगल है, सिंगल आइटम कट करता है, जैसे कि छोटा ऐसा इधर से, जैसे मैं ये पॉइंट को क्लिक किया और जहां तक मेरे को चाहिए उधर ही तक डिलीट करना है, तो इधर जाके फिर मैं सेलेक्ट कर दिया तो मेरा इतना पॉइंट डिलीट हो गया। अब इसको मैं डिलीट कर दूंगा तो डिलीट हो जाएगा। इधर इधर अंडू का ऑप्शन है, अंडू करेंगे वापस आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, अभी इसमें आ गया दूसरा वाले में, मैं आपको बताया कि इसको स्प्लिट का ऑप्शन है, सेलेक्ट करते आपका सिंगल पूरा सेलेक्ट हो जाता है। तीसरा मर्ज है, तीसरा मर्ज करेंगे तो पूरा एक साथ में मर्ज हो जाएगा। अभी ये क्लिक करने के बाद जब एक साथ में हो रहा था ना, तो ये अगर मर्ज के ऊपर नहीं रहेगा तो वो सिंगल सिंगल लेगा, लेकिन अगर इसको मर्ज के ऊपर रहेगा तो एक साथ में पूरा लेगा ये, ऐसा, ठीक है। तो ये मर्ज का ऑप्शन हो गया। इसके बाद इसमें ज्वाइन का ऑप्शन आ जाता है, इसमें मैं दिखाया था ज्वाइन का ऑप्शन आता है। इसमें क्या होता है, ट्रांजेंट करता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें गए, इस पर करने के बाद ट्रांजेंट होता है, जब इसे हमारा कोई भी ना, जब हम लोग इसको स्प्लिट कर देता हूँ मैं इधर जाने के बाद, ये वाला हमारा करता है, ये ज्वाइन क्लोज करता है, जब कोई हमारा ज्वाइन रहता है इसको क्लोज करता है। जिससे मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, इधर डिलीट किया, यहाँ से यहाँ ये डिलीट कर, ये क्लिक, डिलीट कर दिया, जब हम लोग ऐसा क्लिक करते हैं ना तो ज्वाइंट हो जाता है, देख सकते हैं। ऐसा क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑप्शन रखा हूँ तो ज्वाइंट हो रहा है मेरा। पहले मैं अंडू कर देता हूँ इसको,
अंडू कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक कर रहा हूँ इधर, अभी डिलीट करता हूँ मैं, ये सारा डिलीट हो गया। अभी देख सकते हैं कि इधर डबल क्लिक हो रहा है, ये दो ऑप्शन आ रहा है, ये हमारा ज्वाइन हो गया। स्प्लिट में रहेगा तभी काम करेगा वो, ये आपको ध्यान रखना है कि स्प्लिट में रहेगा, नहीं तो आपका होएगा नहीं। जैसे मैं अभी कट में रखा हूँ तो मेरा काम नहीं कर रहा था, लेकिन जैसा मैं इसको स्प्लिट में रखा ना तो अपना काम करना स्टार्ट कर दिया ऐसा। ये अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। इसको मैं क्या किया, स्प्लिट में ऑप्शन में रख दिया, मर्ज में गया, ये जैसा मैं क्लिक किया देखो, इस पर डबल आ गया, दो ऑप्शन आ गया, मतलब दो ऑप्शन मर्ज हो गया। ये इसको डिलीट कर देता हूँ, इस पे जाता हूँ, मर्ज हो गया, तो ज्वाइंट कर सकते हैं इस पे, इसे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे तो ज्वाइंट हो जाता है सर। ये हमारा ज्वाइंट का ऑप्शन है, ठीक है। अभी आ जाते हैं ये तीनों में हमारा क्या काम करता है, ये दिखा देता हूँ आपको। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, ये लिमिट है, क्लिक करेंगे जैसा ना तो इसे ऑप्शन आता है, ये देखो सिलेक्ट किया तो मेरा पहला ऑप्शन हो गया। इसमें दो ऑप्शन आता है, इंड और स्टार्ट, तो मैं क्या करता हूँ इंड कर लेता हूँ। तो इंड में मतलब ये वाला हमारा हो गया दूसरा साइड में, और ये अपना मैनुअली सेलेक्ट कर ले सकते हो। अभी मेरे को दोनों साइड में चाहिए तो मेरे को बूथ रखना पड़ेगा, तो दोनों साइड में हो गया। ये दोनों साइड में रखने के बाद इसको माइनस का ऑप्शन आता है, माइनस माइनस 5 mm, तो साइज हमारा 5 mm माइनस हो गया। ये देख सकते हैं कॉपी है, तो दो ऑप्शन आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसको डिलीट कर देता हूँ। ये क्या करता है अपना, माइनस के प्लस करना रहा है, जैसे मेरे को इस एरिया को प्लस करना है, सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, सेलेक्ट करने के बाद इसमें प्लस कर देता हूँ 10 mm, देखो प्लस हो गया। तो इस तरह से इसमें प्लस कर सकते हैं। ये हमारा है कट करो कर्वेचर का, डिलीट हो गया, देखो इसको सेलेक्ट करोगे डिलीट हो जाएगा ऐसा। अंडू कर लेता हूँ किधर के मेरा लाइन, ये आ गया, ये देखो डिलीट हो गया। तो जैसे सिंगल कर्व को डिलीट कर लेते हैं, डिलीट आप इसे भी कर सकते हो, कट करता है ये, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया, ये हमारा कर्वेचर है, जिसे कि टॉलरेंस है स्प्लिट का, आपको ज़्यादा काम में ये नहीं आता ऐसा करके। ये आता है आपका ऑफसेट, ये कि इसको क्या करना पड़ता है अपने को, ये देखो पहला दिखा मुंह का ऑप्शन है, मुंह का मतलब इसको सेलेक्ट कर लो, मुंह में चले जाओ। मुंह में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि इस साइड प्लस लेना है कि इस साइड लेना है, वो आपको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो बता देता हूँ कि अभी ये मेरे को फेस को क्या शिफ्ट करना है, आप इसे जिधर आपको चाहिए उधर जाके इधर क्लिक करोगे तो आपको सेलेक्ट हो जाता है। इसको मैं अंडू कर लेता हूँ, ये जो हमारा एरिया, इसको पहले मैं क्या कर लेता हूँ, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट हो गया। अभी मेरे को क्या करना है, इधर शिफ्ट किया तो क्लिक हो गया, लेकिन आपको ऐसा भी कर सकते हो मैनुअली। और एक ऑप्शन और है, इसको क्लिक करो, सेलेक्ट कर लेना पहले, तो ऐसा सेलेक्ट हो गया। इधर एक ऑप्शन आता है, ये देख सकते हैं इधर, ये इधर ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ता है आपको। इसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे ना तो एक ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन, इसमें आपको सर्कल का है ऑप्शन है, और एक्स वाई का भी ऑप्शन है, बिटवीन का ऑप्शन है। तो आप डायरेक्टली इसमें चले जाओ, आपको शिफ्ट करना है किस साइड में, एक साइड में, तो आप एक साइड में इधर क्लिक करो, 10 mm डाल दो तो भी शिफ्ट होता है, 20 mm डाल दो तो भी होगा, जितना चाहिए आप उधर शिफ्ट करो, वाई में शिफ्ट करो, शिफ्ट हो गया, जेड में तो अप डाउन हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं तो ये दिखा देता हूँ ऐसा, तो आपका जेड में माइनस प्लस होता है ऐसा, ये हो गया, आप ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा मुंह का ऑप्शन, मुंह का ऑप्शन हो गया। अभी इसके बाद आता है क्या है हमारा, रोटर, इसको हमको रोटर करना है, तो रोटर ही करने के लिए ऑप्शन दिया गया इधर, एंगल, एंगल मतलब आपको कितने एंगल देना है। जैसे मेरे को ये वाले फेस को सेलेक्ट कर लिया, इधर मैं क्या करता हूँ 25 डिग्री दे दिया, देखो 25 डिग्री में घूम गया, तो ये एंगल है आपका, एंगल दे सकते हो इधर, इधर दे सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हमारा मिरर, मिरर का ऑप्शन है, मिरर पर क्लिक करो, सेलेक्ट कर लो सरफेस को, आपको एक्स वाई में सेलेक्ट मिरर करना है, इसमें कोऑर्डिनेट को चेक कर लो। ये देख सकते हैं मैं एक्स वाई और जेड को मिरर किया तो उसका मिरर आ गया, तो ये आपको मिरर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्या है, ऑफसेट है, ऑफसेट मतलब इसको भी सेम इस सरफेस को सेलेक्ट कर लो, इधर एरिया में जाके 5 mm डाल दो, ऑफसेट हो गया।
ये देख सकते हो, इसको सेलेक्ट कर लेने भाई, एक मिरर करना है, अगर इस लाइन को उसी जगह पे रखना है, एक लाइन और लेना है, तो इसको सेलेक्ट करने का, इधर नंबर डालने का, इधर आपको डालने का कितना 20, तो देखो एक नंबर 20 लाइन पे एक दूसरा लाइन आ गया, समझे, ये ऑफसेट हो गया। स्केल है, अगर आपको स्केल करना है ये लाइन को, तो अपने एक लाइन सेलेक्ट कर लो, इधर अपना जो स्केल रहेगा 1.015 स्केल डाल दो, ऐसे स्केल हो गया, इसे स्केल कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा पैटर्न, पैटर्न पे चले जाओगे, पैटर्न पे जाओगे तो पैटर्न का रेक्टेंगुलर का आता है, सर्कल का, दोनों का आता है, तो रेक्टेंगल करना तो रेक्टेंगल, सर्कल आएगा तो सर्कल ले सकते हो, ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा ये प्रोजेक्शन, फ्लैट करने का है और इम्बेड करने का, ये हमारा फीचर्स में यूज करने के लिए आता है, तो उसमें जाके आप कर सकते हो। ये कलर चेंजेस है, इधर हमारा पॉइंट है, आप दे सकते हो, जैसे पॉइंट किधर चाहिए तो आप दे सकते हो, ये हमारा लाइन बनाना है अपने से, अगर आपको लाइन चाहिए कुछ तो आप लाइन बनाने के लिए ले सकते हो, ये आप मतलब कर्वेचर है, आपको कर्वेचर जैसा चाहिए कर वो आप यूज करो ऐसा करके, इसके लिए आपके इधर कर दिया गया है, ये हमारा ब्लॉक दिया गया, ब्लॉक बनाने के लिए आपको, अगर प्रोग्राम बनाने के लिए ब्लॉक चाहिए कि तो साइज दे सकते हो। सर्कल है, सर्कल में आपको रेडियस आता है, ये ध्यान रखना है कि रेडियस, सर डायमीटर नहीं आता, रेडियस आता है। फिर इधर आपको है कर्वेचर, फिर इसमें आपको हेलिकॉइल है, ये वाला ऑप्शन जो है इसमें क्या होता है कि ये जैसा क्लिक करोगे ना तो आपको प्लेन सेलेक्ट करता है वो, इस प्लेन के ये आप जब पूरी आप जब सीएनसी लेथ वर्टिकल का ना हॉरिजॉन्टल का प्रोग्रामिंग कर दें तब आपको ये यूज में आता है, तब उस पर क्लिक करके क्रिएट करेंगे तो उस मॉडल पे एक लाइन बन जाएगा, ये ऐसा है। इसके बाद आप इधर पैटर्न दिया गया, इसके लिए आपको सर्कल देना है कितना टॉलरेंस है, तो ये आपको फेसिंग करने के लिए भी यूज कर सकते हो, ये यूज कर लोगे। इसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट, टेक्स्ट में भी ऑप्शन दिया गया है, इधर हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे हमको इधर चाहिए, जिधर आपको चाहिए उधर हम जाके इधर टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई लिख रहा है हमारा ये टेक्स्ट, ये छोटा छोटा देख सकते हैं, लिख सकता है, तो आपको टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। इधर आपको मेजर करना है, काम करते टाइम पे मेजर करना है तो मेजर में जाओ, लाइन में जाओ, सर्कल बनाना है सर्कल में जाओ, तो आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी है, सब इसमें ऑप्शन इधर दिया गया है। तो पैटर्न अगर आपको क्रिएट करना रहेगा तो ऐसा करेंगे और एडिट करेंगे, अगर आपका ये पैटर्न का ऑप्शन बंद है तो आपको राइट क्लिक करने के बाद इधर एक पैटर्न का ऑप्शन दिखेगा, ये वाला, इसको ऑन देखो भी बंद दिख रहा है, मैं इसको राइट क्लिक करके ऑन करूंगा तो मेरा डायरेक्ट इधर आ जाएगा, ऐसा ये दिखने लगेगा मेरे को, अगर इसको बंद करना है, मेरे को डायरेक्टली क्रिएट करना है तो मेरे को डायरेक्टली इधर क्रिएट करना है, तो मैं डायरेक्ट इस पे क्लिक करके कर सकता हूँ, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर क्रिएट करना पड़ेगा ना, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्ट क्रिएट क्रिएट में चले जाएंगे, एक इधर वर्क प्लेन पैटर्न ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, ऐसा तो आप ये वाला ऑप्शन रखेंगे तो भी इधर से भी काम कर सकते हो, नहीं तो इधर से भी राइट क्लिक करके काम कर सकते हो। तो पैटर्न में इस तरह से करते हैं, अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, नए रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए।